हे गाइस, तो स्वागत है आपका नई वीडियो में। एंड आई होप गाइस आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस फाइनली हमारी गोरिल्ला वाली ड्राइंग कंप्लीट हो गई है, तो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रही होगी। तो अभी शायद मैं आपको अच्छे से नहीं दिखा पा रहा क्योंकि साइड से लाइट आ रही है, तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है आपको देखने में। काफ़ी लाइट लाइट लग रहा होगा आपको स्केच, तो एक बार मैं आपको टेबल पर रख के अच्छे से दिखा देता हूँ। तो गाइस ये है फाइनल लुक जो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो देख लो कुछ ऐसा लग रहा है। और गाइस मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मेरे को अच्छे से डिटेलिंग देनी आ गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अभी गाइस मेरे को काफ़ी ज़्यादा सीखने की जरूरत है और मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ। एनीवेज गाइस अगर बात करो अगर टूल्स की, तो मैंने ये टूल्स यूज़ करे आर्टलाइन की पेंसिल्स, जो कि नॉर्मल ड्राइंग पेंसिल आपको मार्केट में मिल जाती है, 60 रुपीज़ की मिल जाती है आपको ये। और वाइट एरियाज को देने के लिए मैंने ये यूज़ करे एक्सट्रीमली हाईलाइटेड एरियाज, जैसे कि आप देखते हो ड्राइंग में ये होगा, ये होगा, आईबॉल अगर होगी, तो उसके लिए मैंने ये व्हाइट जेली रोल पेन का यूज़ करा और ये नीडी इरेजर का यूज़ करा है हाइलाइटिंग देने के लिए। प्लस हाइलाइटिंग देने के लिए मैंने एक चीज़ का और यूज़ करा, वो है ये मोनो जीरो इरेजर। और ये मैंने यूज़ करी मैकेनिकल पेन से डिटेलिंग देने के लिए, और इसको अपन को बार बार शार्प नहीं करना पड़ता, इसलिए गैस जो भी फाइन डिटेलिंग आप देख रहे हो इस ड्राइंग में, ये मैंने इसी पेंसिल का यूज़ करके दी है। और बाकी गैस हेयर्स वगैरह के लिए मैंने ये चारकोल पेंसिल का यूज़ करा, जो कि काफ़ी छोटी हुई है और अभी लॉकडाउन में पता नहीं मैं कहाँ जाऊँगा लेने। एनीवेज गैस मैं कैसे भी करके मैनेज कर लूँगा, तो ये चारकोल पेंसिल है मेरे पास। और ये दो पेपर स्टंप है गैस ब्लेंडिंग करने के लिए, मैंने ये यूज़ करे पेपर स्टंप, जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा गंदे हो गए, जिनको मेरे को साफ़ करना पड़ेगा सैंड पेपर रगड़ रगड़ के। और ये है गैस मेकअप ब्रशेज, जिनको मैंने यूज़ करा ब्लेंडिंग के लिए। तो ये तो चारकोल मैंने ब्लेंडिंग के लिए यूज़ करे, ये सारे पेंसिल मैंने शेडिंग के लिए यूज़ करी, प्लस ये कैमलिन के सॉफ्ट चारकोल पेंसिल, ये व्हाइट जेली रोल पेन और टोमो मोनो जीरो इरेजर हाइलाइटिंग, प्लस ये अपना फेवरेट इरेजर नीडी इरेजर। तो ये मैंने आपको टूल्स की बात बता दी और ये ड्राइंग फाइनल ड्राइंग ऐसे लग रहा है। और एक बार गाइस फिर से बोल रहा हूँ आपको, ये ड्राइंग गाइस अभी पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं है, अभी मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ, धीरे धीरे इंप्रूव कर रहा हूँ। तो ऐसा बिल्कुल मैं सोचना गाइस कि मैं अपने आपको परफेक्ट बोल रहा हूँ, अभी गाइस मेरे को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। तो गाइस आई होप आपके ड्राइंग पसंद आएगी। और अगर गाइस बात करें टाइम की, तो मेरे को इसको बनाने में गाइस पूरे 3 से 4 दिन लग गए, और ऐसे नहीं कि गाइस मैंने इसमें 3 से 4 दिन पूरा अच्छे से काम करा, 3 से 4 दिन में भी अगर मैं बात करूँ तो मैंने एक दिन में कम से कम 2 से 3 घंटे काम करे, वो भी टुकड़ों टुकड़ों में काम करे, मतलब मैं बीच में गैप लेता रहा। और ये बात सही भी है गाइस, कभी भी अपन को क्या लगातार स्केच नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अगर अपन लगातार स्केच बनाते हैं ना, तो अपन मतलब सिर्फ है ना उसी पार्ट को ऑब्जर्व करते हैं जो अपन को बनाना है, और अगर एक फ्लो जैसा क्रिएट हो जाता है और अपन को गाइस पता नहीं लगता कि कहाँ पर डार्क करना है कहाँ पर लाइट करना है, अपन बस एक फ्लो में बनाते रहते हैं, तो अपन को गाइस कुछ भी होश नहीं रहता क्या हो रहा है अगल बगल में, और अपन सिर्फ उसी पार्ट को कॉन्सेंट्रेट करते हैं जिस पार्ट को अपन बना रहे हैं। तो कभी भी गाइस आप अगर स्केच करते हो, अगर आप एक आर्टिस्ट हो, अगर आप ड्राइंग बनाते हो, कोई भी आर्टवर्क बनाते हो, तो उसको कभी भी लगातार मत बनाओ, बीच बीच में गैप लेते रहो और कोई अदर एक्टिविटी वगैरह करते रहो। जैसे मैं बीच बीच में गैप लेता रहा, मैं बीच बीच में कभी चाय वाय पी लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी ऊपर चला गया घूमने वूमने, ऐसे गाइस अपने माइंड को क्या बीच बीच में थोड़ा फ्रेश करते रहा करो। और अगर आप वापस बैठोगे ड्राइंग बनाने एक गैप लेने के बाद, तो आपको गैस काफ़ी सारी कमियाँ दिखेगी, तो उन कमियों को भी आप सुधार सकते हो। और ओवरऑल तो गैस मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि बस आपको क्या गैप लेकर ड्राइंग करनी चाहिए, कभी भी मतलब लगातार मत करो, नहीं तो आपकी ड्राइंग जो खराब भी हो सकती है। और गैस इस ड्राइंग को बनाते वक्त है ना मैंने बहुत सारी चीज़ें भी सीखी कि अपन को डिटेल वगैरह कैसे देने, हाईलाइट वगैरह अपन को कहाँ का देनी चाहिए जिससे कि ड्राइंग काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लगे। तो गैस ये सारे जो चैलेंजेस है ये आपको अपने आप से करनी चाहिए अगर आप एक आर्टिस्ट होते हो, या फिर अगर आप कोई भी ड्राइंग बनाते हो, तो हमेशा मतलब एक ही स्टाइल में ड्राइंग मत बनाओ। जैसे अपन एक नॉर्मल पोर्ट्रेट की बात करें, नॉर्मल पोर्ट्रेट तो एक तरह से मतलब नॉर्मल हो गया, उसके बाद अपन आराम से बना सकते हैं, सिंपल शेड करेंगे, ब्लेंड करेंगे, फिर अभी शेड करेंगे, मतलब उसमें लेयरिंग कर करके अपन डार्क एरियाज लाइट एरियाज को ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन जो डिटेल ड्राइंग होती है उसमें अपन को काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, मतलब उसमें अपन को किस तरीके से डिटेल देने, किस तरीके से रिंकल्स बनाने। और फिर मैं सिर्फ इस गोरिल्ला की बात नहीं कर रहा, इस गोरिल्ला में भी काफ़ी ज़्यादा डिटेल थी। प्लस अगर आप कोई ऐसी ड्राइंग बनाओ जिसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल है, जैसे ओल्ड मैन की ड्राइंग ले रहा, तो ओल्ड मैन में काफ़ी ज़्यादा यू नो रिंकल्स होते हैं हाथों पे, अगर उनके आप देखो तो काफ़ी ज़्यादा नस होती है, बाल होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वो अगर आप काफ़ी अच्छे से अचीव कर पाते हो तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। अगर आप एक आर्टिस्ट हो तो आपको पता होगा कि ये सारी चीज़ें मतलब कितनी ज़्यादा मैटर करती है। और गैस जब से मैं आर्ट में आया हूँ ना, जब से मैंने आर्ट फील्ड को चूज़ करा, जब से गैस मैंने एक ही चीज़ सीखी कि आर्ट में पेशेंस होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर मैं मेरी स्टार्टिंग की ड्राइंग्स की बात करूँ, तो गैस पहले मैं जो पोर्ट्रेट वगैरह बनाता था वो मैं मतलब एक ही दिन में कंप्लीट कर लेता था, कैसे भी करके ज़्यादा टाइम नहीं लगाता था उसमें, 2-3 दिन लग गए। और आज की अगर मैं बात करूँ तो आज आप देख सकते हो मेरी ड्राइंग काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुई है, मतलब मैंने मेरी पुरानी ड्राइंग जो आपको दिखाई डिस्प्ले बुक टूर, उसमें गैस आपको मेरे पहले के आर्टवर्क्स देखने को मिलेंगे, तो आप उसमें ऑब्जर्व करना कि जो स्टार्टिंग की जो चीज़ें मतलब आईज नोज अगर मैंने बनाई उन आर्टवर्क्स में, मैं पहले के आर्टवर्क की बात कर रहा हूँ, तो उसमें मैं पहले के काफ़ी धीरे धीरे बनाता था, लेकिन जैसे जैसे गैस मैं उस ड्राइंग को कंप्लीट करता ना, जैसे मतलब सिर्फ 20 से 30% बची वो ड्राइंग, मतलब कंप्लीट होने वाली, कंप्लीट करने की जो एक्साइटमेंट होती है उस ड्राइंग को बनाने की, तो वो क्या मैं काफ़ी ज़्यादा जल्दी करता था।
तो उसके वजह से क्या जो हमारी ड्राइंग पूरी तरीके से खराब होती थी, तो इसलिए गाइस पेशेंस रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप एक आर्टिस्ट है। तो कई सारी डिटेल ड्राइंग्स मैंने अभी तक बनाई है, तो उसमें से मैं एक बार आपके ड्राइंग दिखाता हूँ। तो ये आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रही होगी, ये मैंने ड्राइंग बनाई थी जिसमें एक अलग ही इफेक्ट है। इसमें मतलब मैंने पूरा पॉलिथीन का इफेक्ट दिया। तो जब मैंने इस ड्राइंग को बनाया, और ये ड्राइंग छोटी साइज की भी नहीं है, मतलब आप ये वाली ड्राइंग देख सकते हैं, ये तो मैंने A4 साइज की बनाई है, और इस ड्राइंग का साइज है पूरा मतलब चार्ट पेपर साइज। तो उसमें गाइस एकदम ही अलग इफेक्ट वाली ड्राइंग है, तो उसमें आप देख सकते हो कि इसमें बिल्कुल ही मतलब अलग इफेक्ट है। तो इसमें मेरे को काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े, और इसको गाइस बनाने में मैंने कई सारी चीज़ें सीखी कि अपन मतलब ये पॉलीथीन के इफेक्ट किस तरीके से दे सकते हैं। जो ट्रांसपेरेंसी होती है ना पॉलीथीन और फेस में, जो ट्रांसपेरेंसी है वो मैंने इसमें कैसे अचीव करी है, तो इसमें गाइस मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखी। तो ऐसे ही आपको भी करना चाहिए, मतलब अगर आप एक नॉर्मल पोर्ट्रेट बनाते हो तो वो ठीक है, आप अच्छा बना रहे हो, आप इंप्रूव हो रहे हो डे बाई डे, लेकिन गाइस कुछ नया ट्राई करो। आप जब तक मतलब नया ट्राई नहीं करोगे ना, जब तक आप है ना कुछ नई चीज़ नहीं सीख पाओगे। आपको गाइस डिटेल ड्राइंग ट्राई करनी पड़ेगी अगर आप एक अच्छा आर्टिस्ट और रियलिस्टिक आर्टिस्ट बनना चाहते हो अच्छे, तो आपको गाइस डिटेल ड्राइंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस कभी भी मतलब अगर आपके सामने कोई डिटेल ड्राइंग आ जाए, तो कभी भी गाइस उसको करने से आप डरो मत। अगर आप गाइस नॉर्मल पोर्ट्रेट बना सकते हो तो डेफिनेटली गाइस वो डिटेल ड्राइंग बना सकते हो। अपने आपसे गाइस कोई चैलेंज लेने की कोशिश करो कि हाँ मैं डिटेल ड्राइंग बना सकता हूँ। आप खुद एक बार है ना गूगल पे सर्च करो ओल्ड मैन वगैरह की ड्राइंग, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी आपके पास फोटोज आएंगी, उसमें काफ़ी हाई लेवल की डिटेल आता है। एक बार वो ट्राई करके देखो, आपसे एक बार गलती होगी, दो बार गलती होगी, लेकिन गाइस बार बार वो गलती कभी ना कभी इंप्रूव जरूर होगी। अगर आप गाइस मेरी बात करो तो मैं भी गाइस पहले नॉर्मल पोर्ट्रेट बनाता था, लेकिन गाइस मैं धीरे धीरे मैं इंप्रूव हूँ, तो अगर मैं इंप्रूव हो सकता तो आप क्यों नहीं हो सकते, राइट। तो मतलब है ना कभी भी अगर आपके सामने कोई डिटेल ड्राइंग है, तो कभी मतलब ऐसा मत सोचिए कि मैं नहीं कर सकता, आप डेफिनेटली कर सकते हो। तो गाइस अभी मैंने आप लोगों से इतनी सारी बातें करी, मैंने आपको बताया कि मेरे को इस ड्राइंग को बनाने में कितना ज्यादा टाइम लगा, मैंने कौन कौन से टूल्स का यूज करा, और ये गाइस अभी भी ये ड्राइंग परफेक्ट नहीं है, मैंने आपको ये भी बताया। और बातों में गाइस मैं एक चीज़ करना भूल गया जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो हमको डेफिनेटली करनी चाहिए अपनी ड्राइंग को कंप्लीट होने का। आप देख सकते हो मेरे हाथ जो बार बार काले हो रहे हैं, तो इनको फिक्स करने के लिए मैं इस पर फिक्स डिटेल लगाने ही भूल गया। मैंने सोचा कि एक बार ड्राइंग कंप्लीट हो जाए फिर मैं आप लोगों से बात करूँगा इस ड्राइंग के बारे में। तो ड्राइंग के बारे में बात बहुत हो गई, मैंने इसके बारे में काफ़ी कुछ सीखा, ये सब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो चलो फटाफट अपन कर लेते हैं फिक्सेटिव, और फिर इसको कर लेते हैं फटाफट फिक्स, और फिर आराम से डिस्प्ले बुक में डाल के मैं इसको एक जगह रख दूंगा आराम से बिल्कुल इज्जत से।